बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुजफ्फरपुर महापाप कांड को लेकर के। अब तक जैसा कि आपने सुना था या देखा था, ब्रजेश ठाकुर ने गिरफ्तारी के समय किस तरह से कहा था कि वह मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ना चाहते थे, और अब जब धीरे धीरे चेहरे सामने आ रहे हैं, हाल ही में मंजू वर्मा ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा चेहरा जो राजनीति के सफेद पोश में खड़ा है, जिसे आप सभी जानते हैं, जैसा कि पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर ने दावा किया था कि वह लोकसभा चुनाव कांग्रेस के, जी हां, कांग्रेस के ही एक बड़े चेहरे का नाम सीधा निकलकर सामने आ रहा है, आप जानकर चौंक जाएं। अब हम धीरे धीरे इस नाम का खुलासा करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें, ये नेता बहुत ही धन बल वाले नेता है। इनका सीधा कनेक्शन राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा कह सके कांग्रेस में इनकी जो पहुंच है वो राहुल गांधी तक है। अब हम आपको नाम का खुलासा करके बताते हैं। जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये नेता है अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह नाम आपने सुना होगा। हाल ही में वह अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में भी बड़ा नाम इन्हीं का निकल कर आया था। कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी जो अध्यक्ष पद से हटे हैं, पर्दे के पीछे अखिलेश सिंह ही मौजूद हैं। अब जब अखिलेश सिंह की यह फोटो वायरल हो रही है, इस तरह के जो चित्र है वो निकल कर आ रहे हैं ब्रजेश ठाकुर के साथ, हाल में ही वह राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जब अखिलेश सिंह का सीधा कनेक्शन दिल्ली से है, राहुल गांधी के साथ उनकी बड़ी पहुंच है, बड़ी उठ बैठ कह सकते हैं, उठना बैठना राहुल गांधी के साथ है, तो क्या ब्रजेश ठाकुर का कनेक्शन भी दिल्ली के साथ था? अगर था तो किस मुद्दे पर ब्रजेश ठाकुर ने यह सीधा सीधा पेशी के दौरान कह दिया था मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने उन्होंने खुलकर कहा था कि 2019 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते, तो ये मान के चला जा सकता है, क्योंकि तस्वीर वायरल हो रही है धीरे धीरे सोशल मीडिया पर, आप तक भी पहुंची होगी। लेकिन न्यूज बिहार सबसे पहले इस खबर को बता रहा है, एक्सक्लूसिव खबर है, आपको दिखा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अखिलेश सिंह का ब्रजेश ठाकुर के साथ उठना बैठना था, या कह सके राजनीतिक या पारिवारिक कनेक्शन था। आपने जैसा तस्वीरों में देखा, हमने सीधा सीधा यह दिखाया कि किस तरह से अखिलेश सिंह के संबंध मुजफ्फरपुर महापाप के आरोपी ब्रजेश ठाकुर से है। अब ना हम जज हैं, ना हम किसी तरह का फैसला सुना सकते हैं, फैसला आपको करना है, आपको समझना है कि क्या ऐसे ऐसे ही अखिलेश सिंह का रिश्ता ब्रजेश ठाकुर के साथ है, या इससे भी बड़े बड़े चेहरे जो अभी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उनका भी उठना बैठना या किसी तरह का संबंध ब्रजेश ठाकुर से था। अभी बहुत सारे नामों का खुलासा करना बाकी है, हम परत दर परत जितने भी नाम उजागर होंगे, सबसे पहले न्यूज बिहार अपने दर्शकों के लिए लेकर आएगा, आपको खबरों के साथ अपडेट करता रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, इसी की कामना करते हैं, बने रहे न्यूज बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।